टी20 वर्ल्ड कप के बीच शुभमन गिल अचानक से चर्चा का विषय बन गए हैं। शुभमन गिल वैसे तो टीम इंडिया के साथ अमेरिका गए हैं, लेकिन एक रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर। टूर्नामेंट का अमेरिकी लेग खत्म होने के बाद रिपोर्ट सामने आई है कि शुभमन गिल और आवेश खान ग्रुप स्टेज के बाद भारत वापस लौट जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें सिर्फ अमेरिका में किसी खिलाड़ी को चोट लगने पर तुरंत रिप्लेसमेंट के लिए रखा गया था, लेकिन अंदरूनी खबरें कुछ और ही निकल कर आ रही हैं। शुभमन गिल को स्टेडियम में रोहित शर्मा और टीम के बाकी खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हुए नहीं देखा गया है। वहीं अन्य रिजर्व खिलाड़ी जैसे रिंकू सिंह, आवेश खान और खलील अहमद न्यूयॉर्क में भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान टीम का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए थे। कई रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया है कि शुभमन गिल को वापस भेजे जाने की असली वजह अनुशासनहीनता है। हालांकि टीम इंडिया के बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ ने इस बात को निराधार बताया था। हाँ, यह सच है कि अमेरिका में ज्यादातर मौकों पर शुभमन गिल टीम के साथ नजर नहीं आए हैं, बल्कि वो टीम से अलग वक्त बिता रहे थे और शायद अपने साइड बिजनेस में बिजी थे। शुभमन गिल पर टीम के साथ यात्रा ना करने और स्क्वाड से दूर रहकर बिजनेस के लिए समय देने का आरोप लग रहे हैं। हालांकि इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस सब के बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि शुभमन गिल ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। अब यहां दो सवाल निकल कर आते हैं, पहला कि शुभमन ने रोहित शर्मा को अनफॉलो क्यों किया, और दूसरा आखिर शुभमन गिल US में ऐसे कौन से बिजनेस को समय दे रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो गिल अमेरिका में बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। उन्होंने इन्वेस्टर के रूप में एक बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी की है। वो अमेरिका के प्रमुख वेंचर कैपिटल फर्म विक्स वेंचर में इन्वेस्टमेंट को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में कंपनी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर गिल के साथ तस्वीरें भी शेयर की थी। इस फर्म को टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और कंज्यूमर गुड्स के लिए जाना जाता है, जो नए बिजनेस की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करती है। खैर, शुभमन गिल की इन सारी खबरों में कितनी सच्चाई है, ये तो BCCI या फिर टीम मैनेजमेंट के आधिकारिक बयान के बाद ही साफ होगा।